क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा और दुनिया की सबसे मशहूर प्रतिमा के बीच कंपैरिजन किया जाए तो कैसा रहेगा? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की, जो दुनिया की दो ऐसी अहम प्रतिमाएं हैं जिन्हें आज के दौर में लगभग हर व्यक्ति जानता है। पर इन दोनों में से कौन सी प्रतिमा में ज्यादा तथ्य और खूबियाँ होंगी, ये जानना बेशक बेहद ही दिलचस्प होगा। तो आज के इस वीडियो में हम भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से कंपेयर करेंगे। इस वीडियो का पूरा लाभ लेने के लिए आखिर तक जरूर बने रहिए। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा, और आप देख रहे हैं इंडिया स्टॉप फैक्ट्स। नंबर वन, अगर बात करें प्रतिमाओं के निर्माण की, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ज्यादातर पार्ट्स फ्रांस में बनाए गए थे, और इस स्टैच्यू के नीचे का हिस्सा यानी पेडेस्टल पूरी तरह से अमेरिका में बना था। वर्तमान में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क सिटी के लिबर्टी आइलैंड पर स्थित है। वही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण पूरी तरह से हिंदुस्तान के गुजरात में ही हुआ था। आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात की केवड़िया कॉलोनी में नर्मदा नदी पर स्थित है, जो सरदार सरोवर डैम के करीब है। नंबर टू, हर प्रतिमा को बनाने के पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होते हैं, तो आइए जानते हैं इन दोनों प्रतिमाओं के निर्माण का कारण। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस में बनाई गई थी। ये स्टैच्यू फ्रांस के लोगों की तरफ से अमेरिकन को तोहफे के तौर पर दिया गया था। ये स्टैच्यू अमेरिका के इंडिपेंडेंस, फ्रीडम और डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। हिंदुस्तान के नीडर और साहसी लीडर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में गुजरात में द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 552 राज्यों को मजबूती से जोड़कर सिंगल यूनियन ऑफ इंडिया को फॉर्म किया था, इसीलिए ये प्रतिमा एकता का प्रतीक है। यानी इस प्रतिमा के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। नंबर थ्री, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत फ्रांस में साल 1876 में हुई थी, जिसके बाद साल 1884 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया गया और 1885 में इसे अमेरिका को गिफ्ट किया गया। इस प्रतिमा को रोमन गॉडेस ऑफ फ्रीडम से प्रेरणा लेते हुए बनाया गया था। पैरों से लेकर हाथ में पकड़ी टॉर्च तक इस स्टैच्यू की लंबाई 154 फीट है, और जमीन से अगर पूरे स्टैचू की लंबाई देखी जाए तो ये 305 फीट लंबी यानी 22 मंजिल की इमारत जितनी है। इस स्टैचू का वजन 225 टन है, और इसे स्टील और कॉपर से बनाया गया है, यानी ये प्रतिमा तांबे से बनाई गई है। वही स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई जमीन के ऊपर 790 फीट है, जो इसे दुनिया की सबसे विशाल और लंबी प्रतिमा बनाती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दो गुना लंबी है। इसका कुल वजन 2000 टन से भी ज्यादा है। नंबर फोर, अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आज से 135 साल पहले बनाई गई थी, इसीलिए ये बताना मुश्किल है कि इसमें कितने वर्कर्स का इस्तेमाल किया गया था, पर रिपोर्ट्स के अनुसार इसे बनाने में हजारों लोगों ने भाग लिया था। वहीं अगर बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, तो इस महाकाय प्रतिमा को बनाने के लिए 3000 से भी ज्यादा वर्कर्स और 250 इंजीनियर्स की मदद ली गई थी, और इसके आखिरी काम को सफाई से चाइना के वर्कर्स ने पूरा किया था। नंबर फाइव, अगर बात करें बजट की, तो अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को बनाने के लिए उस वक्त यानी आज से 145 साल पहले 2 मिलियन फ्रैंक्स यानी 4 लाख यूएस डॉलर्स का इस्तेमाल किया गया था। वहीं हिंदुस्तान की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए साल 2018 में 3000 करोड़ की भारी लागत लगी थी। नंबर सिक्स, चलिए अब इन प्रतिमाओं के तथ्य और खूबियों की बात करते हैं। अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पूरी तरह से स्टील और तांबे की बनी है। 1885 में इसे अमेरिका ले जाने के लिए 350 पीसेस में पैक किया गया था, और अमेरिका लाने के बाद इन पार्ट्स को वापस जोड़ने में ही 4 महीने लग गए थे। उस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर स्टैच्यू था। साल 1986 में इस प्रतिमा के हाथ में पकड़ी टॉर्च टूट गई थी, जिसके बाद इसे वापस बनाते वक्त इस पर बड़े ही ध्यान के साथ 24 कैरेट गोल्ड की पतली चादर चढ़ाई गई थी। इस स्टैचू के क्राउन पर 7 रेज बनी है, जो 7 कॉन्टिनेंट्स और 7 ओशंस को रिप्रेजेंट करती है। इन 7 रेज में हर एक रेज की लंबाई 9 फीट है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी में 27.22 टन कॉपर का इस्तेमाल किया गया था, 113.4 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है, और इस प्रतिमा को 2.4 मिलीमीटर की कॉपर शीट में कवर किया गया है। इस प्रतिमा के शूज का साइज 879 है। इसे बनाते वक्त 300 अलग अलग हथौड़ों का इस्तेमाल किया गया था। इस प्रतिमा के पैरों में टूटी जंजीर फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती है। और अगर बात करें हिंदुस्तान की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, तो इस प्रतिमा के पैरों में 4 हाई स्पीड लिफ्ट्स फिट की गई है, जिसमें से हर एक लिफ्ट एक वक्त पर 26 लोगों को स्टैच्यू के टॉप पर सिर्फ 30 सेकंड्स में पहुंचा सकती है।
स्टैचू ऑफ यूनिटी में 153 मीटर की ऊंचाई पर सरदार पटेल के हृदय यानी हार्ट में एक खूबसूरत व्यूइंग गैलरी बनाई गई है, जिसके बाहर का नज़ारा सच में कमाल का है। एक ग्रैंड म्यूजियम, एक 3-स्टार लॉजिंग फैसिलिटी, एक फूड कोर्ट और एक मेमोरियल गार्डन इस स्टैचू का हिस्सा है और आगे भविष्य में यहाँ एक चिड़ियाघर बनाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रतिमा को तैयार करने के लिए खूब सारे लोहे की जरूरत थी, इसीलिए लोहा दान कैंपेन चलाकर पूरे देश के कोने कोने से लोहा दान में जमा कर उसे पिघलाकर इस प्रतिमा में इस्तेमाल किया गया। इस स्टैचू को बनाने से पहले 3 और स्टैचू बनाए गए थे जिनकी साइज 3 फीट, 18 फीट और 30 फीट थी। जब ये सारे स्टैचूज कामयाबी से बने तब 700 फीट की इस विशाल प्रतिमा को बनाने का फैसला लिया गया। 15 महीने की प्लानिंग और 40 महीने के कंटिन्यूस कंस्ट्रक्शन के बाद इस प्रतिमा को सफलतापूर्वक बना दिया गया। इस स्टैचू को बनाने के लिए 6,500 टन स्ट्रक्चरल स्टील, 18,500 टन थिकन स्टील और 2,25,00,000 किलोग्राम सीमेंट की आवश्यकता पड़ी। तांबे के अलावा 4 अलग अलग धातुओं का मिश्रण कर इस प्रतिमा को खड़ा किया गया। नंबर 7, अगर टूरिज्म की बात करें तो अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी में हर रोज एवरेज 10,000 से 14,000 के बीच टूरिस्ट आते हैं, पर स्टैचू ऑफ यूनिटी ने 2019 एक दिन में 15,036 टूरिस्ट की गिनती जमा कर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पीछे छोड़ दिया। नंबर 8, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का ईयरली रेवेन्यू बताना आसान नहीं है, पर स्टैचू ऑफ यूनिटी ने एक साल में 29,00,000 टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर 82.51 करोड़ की अच्छी कमाई की है, पर इसकी लागत का पैसा वसूल करने के लिए अगले 150 साल तक स्टैचू ऑफ यूनिटी से हमें कोई मुनाफा नहीं होगा। नंबर 9, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को गुस्तावे आईफिल ने डिजाइन किया था। गुस्तावे आईफिल वही व्यक्ति है जिन्होंने आईफिल टावर को भी अपनी डिजाइन दी थी। वही स्टैचू ऑफ यूनिटी को मशहूर हस्ती रामवीर सूत्र ने डिजाइन किया है। नंबर 10, स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर हर साल 300 से ज्यादा बार बिजली गिरती है, पर ये आज भी पिछले 140 साल से मजबूती से खड़ी है और वैज्ञानिकों के अनुसार ये अगले हजारों सालों तक टिकी रहेगी। वहीं अगर बात करें हमारे स्टैचू ऑफ यूनिटी की, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी अगले 100 सालों में अपना रंग बदल कर हरा हो जाएगा। इसका कारण एजिंग प्रोसेस होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी भूकंप और 100 किलोमीटर पर सेकंड की विंड स्पीड को झेलने की ताकत रखता है, यानी दोनों ही प्रतिमाएं अपनी अपनी जगह बेहद मजबूती से खड़ी हैं। नंबर 11, स्टैचू ऑफ लिबर्टी 7 अजूबों में से एक रह चुकी है। इसे साल 1984 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। इसे US नेशनल मॉन्यूमेंट और US नेशनल हिस्टोरिक प्लेस का खिताब मिला है। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 8 वंडर्स ऑफ SCO की लिस्ट में शामिल किया गया है, पर अभी ये ऑफिशियल वंडर नहीं बना। पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बेशक दुनिया की सबसे विशाल प्रतिमा होने का खिताब जीत चुकी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह वर्ल्ड हेरिटेज बनने के लिए अभी इस स्टैचू को 100 सालों तक वक्त में जमे रहना होगा। नंबर 12, अब कुछ लोगों का सवाल ये भी होगा कि इनमें से कौन सा स्टैचू स्पेस से भी नजर आता है। तो अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी इतनी भी विशाल नहीं है कि उसे स्पेस में से देखा जाए, पर उसे 2 गुना बड़ी दुनिया की सबसे विशाल 3,000 करोड़ की लागत से बनी प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को स्पेस से देखा जा सकता है। इस बात को 2019 में एक सैटेलाइट इमेज से कंफर्म किया गया था। तो ये थे इन दोनों स्टैचू से जुड़े कुछ जबरदस्त फैक्ट्स और एक अनबायस कंपैरिजन। आपको अगला कंपैरिजन किस टॉपिक पर देखना है ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको कौन सी प्रतिमा अच्छी लगी, स्टैचू ऑफ यूनिटी या फिर स्टैचू ऑफ लिबर्टी? वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें।